चार्ट में हम डॉग बनाएं, बड़ी सी डॉग बनाएं, और एक चार्ट में उसी के पास एक छोटी डॉग बनाएं। इसमें हम कैपिटल ए लिख दें और इसमें स्मॉल ए। ये टेक्निक तो अच्छी है, पुरानी भी है और कॉमनली यूज भी है, मगर वो बड़ा और छोटा का कंसेप्ट सिखा दिया आपने इसमें। तो यू टॉट देम द बिग एंड स्मॉल का कंसेप्ट जो मैथमेटिक्स में साइंस या मैथ टाइम में होता है, कंसेप्ट क्लियर करवा दिया कि बिग क्या होता है, स्मॉल क्या होता है। हो सकता है बच्चा अगर कोई भी लाइन्स के बिना स्लेट में बनाता है या स्मार्ट बोर्ड पे बनाता है तो वो ए भी इतना ही बड़ा बनाएगा, भले ही वो स्मॉल ए बनाएगा, देन हाउ विल यू गोइंग टू डू इट। गलत तो नहीं बनाया बच्चे ने, ए ही बनाया, वो कैपिटल ए जितना ही बनाया। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल ए एंड स्मॉल ए? गलत नहीं सिखाया आपने, सही है, मगर फिर भी आपने उनको कंसेप्ट अभी तक नहीं सिखाया। नहीं, डी है, टी है, जी है, जे है, दैट इज अगेन यूजिंग द ब्लू लाइन एंड द रेड लाइन डाउनवर्ड्स। और वैसे ही कैपिटल्स में भी रहता है, ए ऊपर से स्टार्ट होता है एंड जे ऑलवेज इज डाउनवर्ड्स। So again, that concept is not still clear to the children. Again, there is a technique here. जब हम small letters सिखाते हैं, there are three types of letters. Like the letters starting from the upper right red line to blue line, and the letters in particular blue line, and the third letter is from blue line to downwards the red line, right? जैसे D, T और ये सारे लेटर्स होते हैं वो रेड लाइन से ब्लू लाइन तक होते हैं। जो ए आई ई एम एन ओ ये सारे लेटर्स जो होते हैं वो कम होते हैं सिर्फ बीच पर ही ब्लू लाइन में। और जो ये जे जी और ये सारे लेटर्स होते हैं वो कौन सी लाइन में होते हैं? नीचे ब्लू लाइन से स्टार्ट होके रेड लाइन तक जा रहे हैं। अब ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा? क्योंकि नॉर्मली यहाँ तक आज शायद मैं आप लोग को भी लिखवाऊंगी तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल राइट जे फ्रॉम रेड लाइन टू ब्लू लाइन, ब्लू लाइन टू रेड लाइन नहीं लिखेंगे, जे भी ऐसे ही आएगा। एम आई राइट? नॉर्मली ऐसे होता है कि हमें तो आ गया जी लिखना, आ गया जे लिखना, आ गया तो हमने लिख दिया, हम वो लाइन ध्यान रखते ही नहीं है, इसलिए कि हमें सिखाया ही नहीं है, राइट? So those letters are, those starts with upper red line to the blue line is called the head letters. Head letters मतलब सर वाला letter, जो ऊपर से start होके blue line तक end होता है, जो बीच वाली line में होता है, blue line में, A, E, I, U, M, N, ये सारे letters जो होते हैं वो tummy letters होते हैं, it's in the middle, right? And जो नीचे वाले G, J, ये वाले letters Y, ये सारे लेटर्स कौन से लेटर्स होते हैं? टेल लेटर्स। विच आर दिस लेटर्स? टेल लेटर्स, पूंछ वाले, राइट? तो यू हैव टू मेक देम क्लियर दैट द लेटर्स दोज आर स्टार्टिंग फ्रॉम रेड लाइन टू ब्लू लाइन इज द हेड लेटर, द लेटर हुज ओनली इन द मिडिल लाइन इज कॉल्ड द टमी लेटर, एंड द लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लू लाइन टू लोअर रेड लाइन इज कॉल्ड द टेल लेटर्स, राइट? दिस इज अ टाइप ऑफ कंसेप्ट यू हैव टू गिव देम, ट्रेन देम फॉर दैट। वो ओवरनाइट नहीं है, इसकी भी प्रैक्टिस होनी है। तो एवरी टाइम इफ अ चाइल्ड इज राइटिंग अ स्मॉल लेटर, यू शुड गिव देम द इंस्ट्रक्शन ऑफ राइटिंग इट इन अ, इट्स अ टमी लेटर, एंड टू डिफरेंशिएट द मम्मा ए एंड द बेबी ए। द कंसेप्ट शुड बी बिग और स्मॉल की जगह पे मम्मा और बेटे का कंसेप्ट, कि यू आर स्मॉल तो यू विल बी, योर स्ट्रोक शुड बी वेरी स्मॉल and mama is the bigger one, so you can give them the concept of mama A and baby A. Along with the alphabets teaching, now these days alphabet sikhana, uske saath associated objects batana, jaise A for apple, is not enough now. A ke saath hume alligator bhi hona chahiye, ant bhi hona chahiye, axe bhi hona chahiye, arrow bhi hona chahiye. तो दोज लेटर्स के साथ जो एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए वो एप्पल तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड वैरायटी, राइट? आफ्टर वैरायटी व्हाट यू हैव टू गिव देम इज द साउंड ऑफ अ लेटर, देयर इज अ यूनिक साउंड ऑफ ईच लेटर, हर लेटर का अपना एक साउंड होता है, लाइक ए सेज ए,
the actor. What is the sound for A in between cat? A. Right? B sounds B. Fine? So this is the technique. Now we have prepared him for alphabets, capital, small, and then cursive assist automatically. Give them the strokes, the same procedure. Give them the practice of the strokes and then teach them how to be written in cursive. Fine. Now next step is, after you complete this alphabets, uska sound bhi aa gaya, uske objects bhi sikha gaye, what is the next step? Next step is word building. The word building will be much more easier through the sounds. आप लोग ने साउंड सिखा दिया कि ए को ए बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं, टी को ट बोलेंगे, राइट? तो वो ए ब ट ड जो भी आपका जो फोनिक साउंड है उसके सेशंस लेने हैं, तो उनको थॉरली प्रैक्टिस देना है. एंड आफ्टर दैट कम्स द वर्ड बिल्डिंग, टू लेटर वर्ड्स लाइक ए टी एट, राइट? एंड ट, खाली हमें क्या बोलना है? साउंड उसका, वो लेटर्स का साउंड. A and an, a n an, a and an, a m an, right? So humne two letter words sikha diye. Now again there's a problem over here. Like most of the sight words are not sound supported. Sight words hote hain. Sight words do you all know? Sight words pata hai aap logon ko? No? Sight words like the, and, and, web, right? Or, or. These are the frequently used words. While we start reading, जब हम reading सिखाते हैं, तो हम बार-बार the पे आते हैं, and, and पे आते हैं. तो ये words क्या होते हैं? Frequently हम देखते हैं. अब can anybody tell me what is the correct phoneme sound of the? Phonics आता है सबको? What is T sounded as? What is T sound? Sound क्या होता है T का? T. H का? Okay. E? E. It's a light E. Right? अब उसको sound कर combine करके. What is happening? नहीं हो रहा. क्यों? Why? मैंने सारे टेक्निक्स तो दे दिया आपको, साउंड भी दे दिया आपको, साउंड को कैसे टू लेटर में कंबाइन करने को भी समझा दिया. देन व्हाट हैपेंड? कहां गलत थी? मैं गलत हूं या आप गलत है? समथिंग इज गोइंग रॉन्ग समवेयर. एंड व्हाट इज दैट रॉन्ग थिंग? हाउ कैन वी करेक्ट इट? कैन एनीबॉडी टेल मी? थॉक को, टीएचई को हम क्यों नहीं साउंड कर सकते? वो भी लेटर से ही बना हुआ वर्ड है. क्यों नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है. वर्ड भी हम पूरा साउंड करते हैं. ओके, बॉस को आप हम लोग वो करते हैं डब्ल्यू ए एस, राइट? ए एस को हम लोग ऐसे भी बाइफर्केट कर सकते हैं कि बॉ को इंडिविजुअली साउंड करें और ए एस को अलग साउंड करें. आप तो बीच में जहाँ पे सिमिली है, सिमिली का मतलब होता है वॉवल्स, जहाँ पे कोई भी बड़ा वर्ड है उसको ब्रेकअप करके हम लोग इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं. वो सिमिली कहाँ पे आना चाहिए? जहाँ पे वॉवल है उसको ब्रेक करिए. जैसे डब्ल्यू ए एस, डब्ल्यू ए एस इज अ वर्ड, राइट? एंड इट इज सेड एज बॉस. बॉस बोलते हैं डब्ल्यू ए एस को, राइट? तो हम लोग ने डब्ल्यू को वो अलग प्रोनाउंस कर दिया और ए एस को एस साउंड कर दिया. हम लोग ने सीख लिया था टू लेटर वर्ड, और टू लेटर वर्ड ही आ रहा है इसमें. और सिमिली पे मैंने आपको ब्रेक करने को भी दे दिया. That means I'm correct, my technique is correct. So where am I going wrong? क्यों was को s नहीं बोलते और was बोलते हैं? वो s बोल सकते हैं ना? As is as. It's phonically sounded. As acts as. Why I'm getting it wrong? Was को s क्यों नहीं बोलते हैं? The द को द बोलते, तह एक्चुअली बोल सकते. ऐसा रॉन्ग प्रैक्टिस है या लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है? डू यू थिंक सो? है कुछ प्रॉब्लम? डू यू थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम?
डू यू थिंक इतना तो सोच रहे कि कहीं प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, इट्स ओके फाइन, बट देन देयर इज अ प्रॉब्लम. यस देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज मोस्ट ऑफ द साउंड्स डू नॉट सपोर्ट द साइट वर्ड. साइट वर्ड्स क्या होता है? साइट, आंख से देखने वाले. तो एवरी टाइम व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग, ये सारे छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, टी एच ई द डब्ल्यू ए एस वॉस ओ आर ए और टी एच ई वाई दे टी एच ई आर ई है, ये सारे वर्ड्स होते हैं वो साइट वर्ड्स है. इसकी हमें प्रैक्टिस देनी पड़ती है बच्चों को, क्योंकि ये फोनेटिकली सपोर्टेड नहीं होते और ये हमेशा रीडिंग में यूज आते हैं. फोनिक्स साउंड हमने ए टू जेड का सिखा दिया, मगर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फोनिकली सपोर्ट नहीं करते, मगर उसको पढ़ना तो ऐसे ही पड़ता है. तो ये वाले साइट वर्ड्स की प्रैक्टिस देनी पड़ती है. प्रैक्टिस कैसे देंगे? व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ गिविंग एंड द प्रैक्टिस? ये वाले वर्ड्स हम साउंड सिखा के नहीं सिखा सकते, और ये वाले वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो हम लोग रीडिंग में फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. Giving them the practice. Every time you come across the word the, tell them to say it as the. तो अब आपको एक छोटा सा चार्ट बनाना पड़ेगा. इनिशियली 10 वर्ड साइट वर्ड्स, उसमें थी द ए एन डी एन डब्ल्यू ए एस ऐसे आपको पेरेंट को प्रिंट आउट देना पड़ेगा. एंड टेल देम टू कीप इट इन देयर बेडरूम. बेडरूम में वो लगा कर रखेंगे वो 10 वर्ड्स की प्रैक्टिस उनको डेली, जैसे वो सी इट विद साइट एंड से इट. See it and say it. Like THE, WAS, was, AND, OR, OR, the same way. So, aise sight words number names bhi hote hain. ONE, TWO, aap usko bhi sound karke dekhenge phonically, to wo one ya two sound nahi karenge. ONE, aap sound karo ONE, one ko one kyun bolte hain? OR, NA kyun nahi bolte hain? It's not again phonically supported. तो ऐसे सारे वर्ड्स का आपको कलेक्शन ढूंढना पड़ेगा और उसके 10-10 करके प्रिंट आउट में देना पड़ेगा, और वो 10-10 का प्रैक्टिस उनके रोज लेना पड़ेगा. वैसे घर पे वो पेरेंट भी करते हैं और स्कूल में आके उनकी प्रैक्टिस भी लेनी होगी. राइट, नाउ आई थिंक इट्स गेटिंग अ बोरिंग सेशन, सो आई मेक यू शो अ